Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khush aamdeed. कोई उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां, आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। जब तक इंशाल्लाह उनको आजादी नहीं मिलेगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। थोड़ी से लोगों ने पैसा बनाने के लिए पाकिस्तान को लूटा, करप्शन की वजह से लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय हाई कमीशन अपने आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा न रह सका, गैर मुल्की सिफारतकार और मीडिया LOC पर सच सामने लाएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज, अस्पताल का VIP कमरा नैब की सब जेल करार। नवाज शरीफ से डॉक्टर्स के सिवा किसी को मुलाकात की इजाजत नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वजीर आजम इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, जिनके इस्तीफे से सारे मसाइल हल हो सकते हैं। हम इमरान खान से इस्तीफा लेता है तो हम इन सारे मसाइल को एड्रेस कर सकते हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का कहना है कि फजलुर रहमान समझदार इंसान है, वो बनगली की तरफ नहीं जाएंगे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक का कहना है कि दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीमों का इंतखाब करते हुए कारकर्दगी को मद्देनजर रखा गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311, 6477656311, एड्रेस 565 मार्कम रोड, स्कारब्रो। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि चीन की मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की ख्वाहा हैं, कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं और मजीद बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, जिसके बाइस लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे। वजीर आजम इमरान खान ने बलूचिस्तान के जिला लसबेला की तहसील हब में 1320 मेगावाट के पावर स्टेशन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC के तहत ये पहला मुश्तरक मनसूबा है। इस तरह के मनसूबे खुशाइंद हैं, इस प्रोजेक्ट को हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। कराची के हवाले से इमरान खान का कहना था कि कराची को पानी की बहुत जरूरत है,
है। पानी साफ करने का प्लांट लगाने से मसला हल होगा। करप्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। थोड़े से लोगों ने पैसा बनाने के लिए पाकिस्तान को लूटा। करप्शन की वजह से लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे। अपने मुस्तकबिल के लिए मुल्क में साफ और शफाफ गवर्नेंस देनी है। उन्होंने कहा कि लसबीरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आइडियल है। चीन की कई सनतें रीलोकेट हो रही हैं जिन्हें हम यहाँ ला सकते हैं। सी पैक के तहत हम किसानों के लिए नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। कुछ बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सामाजिक रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि कितना अच्छा भारतीय हाई कमीशन है जो अपनी आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा न रह सका। भारतीय हाई कमीशन के अमले में अखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में साथी सिफारतकारों के साथ LOC पर जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय हाई कमीशन अपने आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा न रह सका। गैर मुल्की सिफारतकार और मीडिया LOC पर सच सामने लाएंगे। तफसीलात के मुताबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सामाजिक रابطے की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कितना अच्छा भारतीय हाई कमीशन है जो अपने आर्मी चीफ के दावे पर खड़ा न रह सका। भारतीय हाई कमीशन के अमले में अखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान में साथी सिफारतकारों के साथ LOC पर जाएं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि गैर मुल्की सिफारतकार और मीडिया का ग्रुप जमीनी हकायक देखने LOC के लिए रवाना हो गया है। LOC पर सच सामने लाएंगे। याद रहे कि गैर मुल्की सफीरों की टीम और मीडिया ग्रुप्स नीलम वैली पहुंचे तो उन्हें जो रॉ सेक्टर का दौरा कराया गया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जोड़ा सेक्टर में गैर मुल्की सिफारतकारों और मीडिया को ब्रीफिंग दी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल का कहना था कि भारतीय आर्मी चीफ के कंट्रोल लाइन पर मुबैना कैंप्स तबाह करने के दावे के बाद भारतीय हाई कमीशन के नाजिमुल उमूर को दावरी गई थी, लेकिन अपने आर्मी चीफ के दावे का दिफा करने के लिए कोई भारतीय सिफारतकार ना पहुंचा और भारतीय आर्मी चीफ के लॉन्चिंग पैड्स के दावे की निशानदही भी नहीं की गई। गुज़िश्ता रोज तर्जुमान पाक भैरे ने कुल सिफारतकारों मीडिया को LOC ले जाने की दावत दी थी और कहा था कि दुनिया को दिखाएंगे जमीनी हकाई क्या है। भारतीय आर्मी चीफ का आजाद कश्मीर में 3 कैंप तबाह करने का दावा अफसोसनाक है। भारतीय आर्मी चीफ बहुत अहम अहदे पर है। आजाद कश्मीर में कोई कैंप ही नहीं तो कार्रवाई कैसी। वाज रहे कि भारत ने LOC पर नौशहरी शाहकोट और जोड़ा सेक्टर्स पर शहरी आबादी को निशाना बनाया था, जिसके बाद पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 9 भारतीय फौजी मारे गए थे, जबकि पाक फौज के लांस नाइक समेत 5 शहरी शहीद हो गए थे। कुछ बात कर लेते हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को। तबीयत बिगड़ने पर गुज़िश्ता रात लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो अब भी ज़ेरे इलाज हैं। उनके लिए अस्पताल का VIP कमरा मुख्तस किया गया है। नैब ने इस कमरे को सब जेल करार दिया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी मुआयना किया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को तबीयत बिगड़ने पर गुज़िश्ता रात लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ वो अब भी ज़ेरे इलाज हैं। उनके लिए अस्पताल का VIP कमरा मुख्तस किया गया है। नैब ने इस कमरे को सब जेल करार दे दिया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के इलाज के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसने साबिक वजीर आजम का मुआयना भी शुरू कर दिया है। अस्पताल ज़राए का कहना है कि फिलहाल नवाज शरीफ को दी गई खून पतला करने वाली दवाई रोक दी गई है। मुआयने के बाद उनके खून, दिल, गुर्दों और मैदे के मजीद टेस्ट किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि नवाज शरीफ कोटलखपत जेल में कैद थे, ताहम चौधरी शुगर मिल केस में नैब ने उन्हें अपनी तहवील में लिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान ने खुद कहा था कि हम ओपोजिशन को एहतजाज के लिए कंटेनर और खाना देंगे, उन्हें अपनी बात पर कायम रहना चाहिए।
مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جن کے استعفے سے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. احتساب عدالت اسلام آباد کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ یہ حکومت آصف زرداری کو طبی سہولیات سے دور رکھ کر پی پی پر دباؤ ڈالنا چاہتی ہے. افسوس ہے کہ آصف زرداری کے علاج کے حوالے سے ڈاکٹروں کی بات بھی نہیں مانی جا رہی. یہ حکومت صدر زرداری کا صحت کو استعمال کر کے طبی سہولیات سے محروم رکھے پاکستان پیپلز پارٹی کو, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو دباؤ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ان کے دباؤ میں کبھی نہیں آئیں گے. ہم ہمیشہ ہر ظالم کے مقابلے کیے ہیں, ہم اس کٹ پتلی کے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کا ظلم سہنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنا جد و جہد جاری رکھیں گے, اپنا محنت جاری رکھیں گے. ہم ہمیشہ ان غیر جمہوری قوتوں اور ان کٹ پتلیوں سے لڑتے آئے ہیں, آج بھی لڑ رہے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم اس کٹ پتلی حکومت کا مقابلہ کریں گے اور اسے گھر بھیجیں گے. جمہوریت کی بحالی, معیشت کی درستگی اور میڈیا کی آزادی کی راہ میں عمران خان رکاوٹ ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہ خود ہیں, اس لیے استعفیٰ دے کر عوام کی جان چھوڑیں. ان سے استعفیٰ لے کر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. نیب اور ہمارا معیشت ساتھ ساتھ نہیں چلتا. یہ پہلے صرف اپوزیشن کا موقف تھا, اب حکومت کا بھی موقف ہے, دوسرے اداروں کا بھی موقف ہے. تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آج نیب کھلا ہے, ہمیں نیب کو بند کرنا ہے, بہت سا کام کرنا ہے. یہ سب کاموں کی رکاوٹ میں, چاہے وہ جمہوریت کا بحالی ہو, چاہے وہ ہمارا معیشت کی قدس سمت میں لانے کا ہو, چاہے وہ میڈیا کا آزادی ہو, یہ سارے کے سارے مسائل کے سامنے جو مسائل ہیں وہ عمران خان ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عمران خان سے استعفیٰ لیتا ہے تو ہم ان سارے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں. مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس شارٹ بریک کے بعد. ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرام پاکستان, بریکنگ نیوز, ویوز اینڈ ہیڈ لائنز فرام پاکستان. ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اماں کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے وہاں, آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے. جب تک انشاءاللہ ان کو آزادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. Do not live in a fool's paradise. بشرا خان, سارا, تنہا قادر, کوکب فاروقی, ذوالفقار, توبہ شکیل, ٹیک ٹی وی پاکستان.